हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके लिए एक फेस पैक लेकर आई हूँ जो है एक्ने पिंपल्स के लिए। ये फेस पैक आपकी स्किन पे एकदम बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। आप लोग जब लगाएंगे तो एकदम से ये ऑयल को कम कर देता है, इसलिए ये फेस पैक बहुत अच्छा है। चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है, फिर इसको अप्लाई कैसे करना है ये देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। इस पैक के लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी, 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी चाहिए, और ये आलू का रस है। इसको मैंने आलू को ले एक आलू लेकर और उसको छील लिया, छीलने के बाद धो लिया, धुलने के बाद इसको ग्रेट करके रस को छान लिया है। और ये है टमाटर जूस। चलिए अब इन सबको मिला देते हैं। आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, इसमें ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक होना चाहिए, क्योंकि इसमें टमाटो जूस भी ऐड कर रहे हैं हम लोग। और थोड़ा डाल लेते हैं आलू का रस। इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। चलिए अब इसको देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको हम अप्लाई करेंगे। पानी से इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फेस को, उसके बाद ही मैं अप्लाई करूंगी। ये एक्ने पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा फेस पैक है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं, टीनेजर वाले बॉयज़ गर्ल्स हो या किसी जिसको भी एक्ने पिंपल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा फेस पैक है। उनको ये रोज़ यूज़ करना है, क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी है। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। मुल्तानी मिट्टी में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, जिसे आपके स्किन में एक्ने पिंपल्स को रोकता है, उसको आने से एक्ने पिंपल्स नहीं होने देता ये, अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो। जितने भी दाग होंगे, जो पिंपल्स एक्ने प्रोन होगी, एक्ने के निशान होंगे, वो सब इससे ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे, एकदम ही से होते जाएंगे अगर आप रोज़ इसको यूज़ करते हैं तो। रेगुलर यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग मिलेगा आपको। बेटर है कि इसको आप रात में लगाएं। और इसमें मैंने टमाटो जूस डाला है, जो कि विटामिन सी होता है उसमें। विटामिन सी की वजह से ये आपके जितने भी, अगर आपको सन टैन हो रखा है, टैनिंग है आपके स्किन में, अगर कोई भी दाग धब्बे हैं तो वो भी इससे रिमूव हो जाएंगे। और मुल्तानी मिट्टी आपके पिंपल्स को भी रोकती है, उसको भी रोकती है, पिगमेंटेशन को भी रोक देती है ये, और जितने दाग धब्बे होते हैं उनको भी ये सही करती है धीरे धीरे से। और आलू के रस में तो आप जानते हैं एंटीबैक्टीरियल होता है, वो विटामिन सी उसमें भी होता है, तो उससे दाग धब्बे आपके ठीक होंगे। इस तरह से अप्लाई कर लेना है आपको पूरे फेस पर, जब तक जब ये सूख जाए तभी आपको हटाना है। जितना भी एक्सेस ऑयल होगा मुल्तानी मिट्टी उसको खींच लेगी, और अब आप रोज़ इसको यूज़ करेंगे तो मुल्तानी मिट्टी की वजह से आपके जो रोज़ वाला जो ऑयल होता है वो नहीं होगा, और आपके एक्ने पिंपल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। आप इसको रेगुलर ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। हर उम्र के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसको लगा लेना है और आप छोड़ दीजिए जब तक आपके ये सूखेगा। उसके बाद मैं धुल के आपसे मिलूँगी, फिर दिखाऊँगी आपको, फिर इसको धुल लूँगी।
ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। मेरा फेस पैक सूख गया है, मैं धुल के आती हूँ इसको। थोड़ा सा ऐसे स्क्रब करके ही धुलना है, मैं जो भी फेस पैक धुलती हूँ मैं स्क्रब ऐसे थोड़ा सा हल्का सा रगड़ के ही धुलती हूँ, हल्के हल्के हाथों से, ताकि जितनी डेड स्किन हो वो निकल जाए। चलिए मैं धुल के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने कि मैंने कैसे अप्लाई किया है, और मैंने फेस वॉश कर लिया था, वो क्रीम डिलीट हो गई है, इसलिए वो मैंने फेस वॉश करके फिर मैं तैयार हो गई थी, क्योंकि मुझे कहीं जाना था तो मैं वहाँ चली गई थी, तो इसलिए वो डिलीट हो गई। मैंने फेस वॉश करके मैं तैयार हुई, मैं चली गई फटाफट से, और मैंने ये अपलोडिंग पे लगा दिया, इसलिए थोड़ा सा डिलीट हो गया, उसके लिए सॉरी। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रिचा रॉय मेरा नाम है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है ये, ट्रस्ट में। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा ये फेस पैक, और आप कौन कौन सा फेस पैक देखना चाहते हैं, किस तरह का को मेकअप देखना चाहते हैं, ये भी आप मुझसे शेयर कीजिए, तो मैं ज़रूर करूँगी आपके साथ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ओके बाय।